पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में चार लोग घायल हुए हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुराने विवाद को लेकर ये वाद विवाद बढ़ा और बाद में बात मारपीट तक जा पहुंची। सिराली थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हरदा से, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिराली थाना क्षेत्र की घटना है। सिराली थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर, मामूली वाद विवाद मारपीट में जा बदला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मारपीट क्यों हुई, आखिर लाठी डंडे क्यों चले हैं। बताया जा रहा है कि कोई पुराना विवाद था, क्या विवाद था ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपिल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपिल, मारपीट क्यों हुई है, विवाद की वजह क्या थी और अभी घायलों की स्थिति कैसी है? कपिल जी, आपको बताना चाहूंगा, ये विवाद लगभग 1.5 साल या 2 साल पुराना विवाद है, आपसी विवाद इनका, जिसको लेके इन्होंने कल फिर मारपीट की है। तो जिसमें एक पक्ष के करीब 4 से 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिराली सामुदायिक केंद्र से हरदा जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उनका उपचार जारी है। हालांकि बता दें, उसमें एक व्यक्ति की तबीयत ज्यादा सीरियस है, इस कारण उसे बाहर रेफर करने की सलाह दी गई है। वही दूसरे पक्ष जो है, उन्होंने भी थाने में जाके शिकायत करवा दी है। दोनों पक्षों में, सिराली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर लिया है। वही सीसीटीवी भी एक फुटेज जारी हुआ है, जिसमें करीब 7 से 8 लोग एक व्यक्ति को मारते हुए दिख रहे हैं। उसके आधार पर पुलिस ने बोला कि वो धाराएं बढ़ाने की संभावना है। ठीक है कपिल, ये जमीनी विवाद है क्या? नहीं, ये जमीनी विवाद नहीं। मैं आपको बता दूं, इनमें एक पक्ष की लड़की जो थे, नाबालिग है, इनका 2 साल पुराना कोई मामला था छेड़छाड़ का, उसको लेके इनके विवाद फिर से बढ़ गए। जब अभी बता दें, एक पक्ष जो घायल है, उनका एक बेटा जेल में बंद है, जिसको लेके ये छींटाकशी कर रहे थे, उसको लेके ये विवाद फिर से बढ़ गया। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कपिल।